कियारा आडवाणी आज अपना 29वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। आज कियारा के बर्थडे पर एक्ट्रेस और उनके फैंस को बड़ा गिफ्ट मिला है। कियारा के अपकमिंग प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की गई है। अब वह डायरेक्टर शंकर की पैन इंडिया फिल्म में नजर आएंगी। फिल्म में कियारा रामचरण के साथ रोमांस करने वाली हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर राजू ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के ट्विटर अकाउंट से इस बात की अनाउंसमेंट की है। कियारा और शंकर की फोटो शेयर करते हुए लिखा गया है, इस सुपर एक्साइटिंग जर्नी में टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का स्वागत है। हैप्पी बर्थडे कियारा आडवाणी। फोटो में कियारा ने व्हाइट ब्लेजर और जींस पहना हुआ है, वहीं बॉसी लुक में नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि कियारा और रामचरण पहले भी साथ काम कर चुके हैं। दोनों इससे पहले विनय विधेय रमा फिल्म में साथ में काम कर चुके हैं। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। अब कियारा और राम दूसरी बार साथ में काम कर रहे हैं और फैंस दोनों को साथ देखने के लिए एक्साइटेड हैं। कियारा ने फिल्म में काम करने को लेकर स्टेटमेंट दिया है, ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। मैं इस फिल्म में काम करने को लेकर एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ। शूटिंग शुरू करने का इंतजार किया जा रहा है और आशा करती हूँ कि फिल्म सभी को पसंद आएगी। आपको बता दें कि अभी तक फिल्म का नाम फाइनल नहीं किया गया है। हालांकि इस बात की जानकारी सामने आई है कि ये फिल्म तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज होगी। वही फिल्म को लेकर जो बाकी डिटेल्स हैं वो आने वाले दिनों में अनाउंस कर दिया जाएगा। वैसे इस फिल्म से पहले कियारा फिल्म शेरशाह में नजर आएंगी। हाल ही में शेरशाह का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे कारगिल में रिलीज किया गया। फिल्म में कियारा के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में है। वह फिल्म में विक्रम बत्रा का किरदार निभा रहे हैं। ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब सभी को फिल्म के रिलीज का इंतजार है। करण जौहर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। बिग न्यूज 24x7 से संपदा झा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.